भाजपा सरकार ने अब तक शपथ भी ग्रहण नहीं किया है, लेकिन देश में जगह जगह अत्याचार बढ़ने लगा है। दलित मुसलमानों पर कहर बरसना शुरू हो गया है। ताजा मामला यूपी के जौनपुर में दलित की बारात पर हमला होकर दूल्हे और उसकी बहन की जमकर पिटाई की गई। 3 साल के मासूम भतीजे को भी नहीं छोड़ा और उसकी भी पिटाई की गई। दबंगों ने उस कार को भी तोड़ दिया जिसमें दूल्हा बैठा था। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा। इस मामले में 6 नामजद समेत 2 दर्जन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद सीओ शाहगंज अजय श्रीवास्तव खुद मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। घटना खुटहन थाना के कैराडी की है। गांव में रहने वाले ओम प्रकाश गौरत के बेटे नीतीश की शादी जौनपुर के ही शाहगंज थाना अंतर्गत बनुआडी गांव में तय हुई थी। बारात शाम तकरीबन 7 बजे गाजे बाजे के साथ निकली और अभी 1 किलोमीटर ही जा पाई थी कि बताया जा रहा है कि ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचे ही थे कि 2 दर्जन युवक लाठी डंडा लेकर पहुंच गए और जबरन दूल्हे की कार को रोक दी। जब तक वो लोग पूरा मामला समझ पाते, दबंगों ने उन लोगों को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। दूल्हे की गाड़ी में बैठे दूल्हे के अलावा दूल्हे की बहन मनीषा जो कि 21 वर्ष, श्वेता 19 वर्ष, भतीजी चिंकी 5 वर्ष, भतीजा आयुष 4 वर्ष और फूफा नन्हेलाल दबंगों की पिटाई से घायल हो गए। घटना के पीछे का कारण आपसी रंजिश कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूल्हा नीतीश गौतम 2 दिन पहले गांव के ही एक सूखे आम की लकड़ी तोड़ लाया, इसके बाद मामूली विवाद भी हुआ और अब इसी बात को लेकर बारात निकलते समय उन लोगों की पिटाई कर दी गई। तो ये हाल है इस देश का, जहां आज भी दलितों पर अत्याचार कम होने का नाम थम ही नहीं रहा। इस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि दलितों पर अत्याचार बंद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।